हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंचीदक्षण विराट के बघेली बुलेटिन सोनो के संगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दिन के दौरा में रीमा पहुंचे। हमा इहां शहर के व्यापारिन के संगे मिल के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा का जिताबे की अपील करी हमा, और संगेन मा कार्यकर्तन से मिल के एकजुटता दिखाई के पार्टी के हित मा काम करे का कहीं हवा। आई अपना पंचन का सुनाई थे जनता का संबोधित करे के बाद मीडिया से चर्चा कई के कमलनाथ का कहीं। आज पॉलिटिकल चरण कैसे हो, हमें 2032 का एक विजन बना, 2036 का क्या रीवा हमारा होगा, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कौन सा रीवा, कैसा रीवा देना चाहते हैं, क्या हम छाती ठोक के कह देंगे ये हमारा रीवा है। तो ये आज चुनौती हमारे सामने है। जब तक हम एक विजन प्लान लगा रहे हैं, जब मैं मुख्यमंत्री था मैंने कहा था हर नगर निगम का एक मास्टर प्लान बने 10 साल बाद। जय जय कमलनाथ। 23 साल से मेयर रहे रीवा में, 8 की 8 विधानसभा, और मौका पर मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, और धोखा पर धोखा हुआ। क्या उम्मीद है चुनाव में, कहीं नेता भाजपा के आ रहे हैं, क्या मानते हैं इसको परिवर्तन? मैं समझा नहीं। पंचायत चुनाव में रीवा के कई दिग्गज नेता यहाँ पे, कई दिग्गज नेता इसलिए आ रहे हैं, हार गए। ये तो पूरे प्रदेश में हो रहा है बहुत सारे, ये तो जनता आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल प्रशासन पुलिस और पैसा बचा है। रीमा नगर निगम महापौर और पार्षद के चुनाव के तारीख नियरे अवते नेतन का मोहल्ला के दुर्दशा दिखात लागी। यहन रातों रात गड्ढन में डस्ट बिछवाई जात लागी। यह मामला वार्ड नंबर 11 और 12 के आ, जहां 5 साल से वार्ड में रहे वाले कीचड़ और गड्ढा से भरी सड़क में चले के मजबूर रहे। अब देख ही कहबे के शहर के मतदाता का ई मतलबी नेता धोखा दे के वोट समेटी पावत, हमारे जनता जवाब दे के अपने अहमियत के एहसास देवावत ही के नहीं। जिला के पहाड़िया गांव में बनी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कचरा प्लांट में अनियमितता देखे का मिलत लागी। कचरा प्लांट में मरे जानवरन का जलावे खातिर मशीन हवे, पर इनका मशीन से न जलाई के भूई में गाड़ देत हम, जेके चलते आसपास के मोहल्ला में गंधी मची रहा थी। आई अपना पंचन का दिखाई थे पूरा वीडियो और फिर सुनाई थे जवाब दे वाले का कहीं। अंदर जी, आप पॉइंट को दिखा क्यों नहीं रहे, आप भाग क्यों रहे? आप काम बंद होने के लिए कोई नहीं कह रहा है, आप पॉइंट अनियमितताएं कर रहे हैं, उसके बाद आप भागने की बात कर रहे हैं, ये बताइए। आप पॉइंट दिखा दीजिए, आप काम करते रहिए, आप प्लान नहीं चल रहा है, आप जैसी भी लगवाइए, आप अथॉरिटी में देवेंद्र जी, आप तंग क्यों कर रहे हैं? तंग नहीं कर रहे, तो आप ये बताइए कि जिस पॉइंट में जानवर को फोन किया, व्हाट्सएप भी किया है, जिस पॉइंट में जानवरों को दफनाया जाता है वहाँ पर पॉइंट दिखाइए ना। आपको कितना बार फोन किया, कितना बार व्हाट्सएप आए हैं टोटल नगर निगम कमिश्नर को लिखित में। अच्छा, आपने क्या देखा है मैम, मीडिया से मुझे बताइए। यहाँ जो भी आप लोगों की शिकायत थी कि जानवर गाड़े गए जी, है ना, मैं वहाँ मौके पर गई जी, वहाँ पर उत्खनन तो हो नहीं पाया कि कितने जानवर गड़े हैं क्या कैसा है, लेकिन बदबू पर्याप्त थी जी, बदबू यहाँ पर भी काफी है जहाँ जानवर जलाए जाते हैं जी, वहाँ पर भी। जो इनसे बात हुई तो इनका कहना यह था कि मतलब बेल्ट खराब है। आप इधर ये बताइए सुनिए साहब, आपके डेजिग्नेशन क्या है यहाँ पे, डेजिग्नेशन बताइए, भागिए मत। क्यों रहे इसका मतलब यहाँ पे पूरा, आप ये बताइए डेजिग्नेशन क्या है आप, अरे भाग क्यों रहे हेड है प्रबंधक है, उनके ऊपर कुछ पत्र लिख रहे हैं कि जो भी यहाँ भी इन्वॉल्व थे 4-5 लोग इनको नौकरी से निकाला जाएगा। लेकिन सर आज ये बताइए कि जब आप यहाँ पे आए तो ना तो कोई ऑफिसर था ना कोई प्रबंधक था, सारी जेसीबी सारे प्लांट बंद हो गए अचानक। बिल्कुल बंद था सही बात है, लेकिन अपन ने कार्रवाई करने का प्रयास किया, ढूंढने का भी प्रयास किया, बस इन लेके नहीं आए, यहाँ पे जानवर है उन्होंने एक्सेप्ट किया, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा आपका क्या क्या कहना है? मैंने आज पर मैंने जो भी हमारी एग्रीमेंट है इसका है, कंसेशन एग्रीमेंट है हमारा जी, उस कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी प्रावधान होगा उन्हें कार्रवाई करेंगे, और जिन्होंने ये कृत्य किया है जाँच करने के बाद करेंगे। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक रीमा के निर्देशन में संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी अधिकारी बसंत राम और प्रभारी खनिज निरीक्षक वीर सिंह ठाकुर की एक टीम रीमा बाईपास सड़क में गिट्टी और पाथर की अवैध परिवहन करे वाले के जांच की गई, जेमा 5 वाहन का पकड़ लेन गहब। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प निर्वाचन के दौरान
कानून और व्यवस्था बनाबे खातिर सात ठे आदतन अपराधीन का एक साल खातिर जिला के सीमा से बाहर रहे के आदेश दीन हमा, जेमा आशीष उर्फ सुम्मा सिंह 28 साल निवासी गांव मदरी थाना पनवार, राहुल सिंह उर्फ पवन सिंह 27 साल गांव माजन थाना पनवार का लेके कुल सात ठे आरोपीन का जिला से बहिरे रहे के आदेश दीन हमा। नगर निगम चुनाव का लेके भाजपा अपन संकल्प पत्र जारी कर दीन हमा, बताएं कि जो भाजपा जीती तो महानगर के तर्ज में विकास हुई। आई अपना पंचन का सुनाई थे भाजपाई का कहीं। इन तमाम योजनाओं को ठीक प्रकार से चलाते रहना जो जनता के कल्याण की है और विकास की, वो सारे काम, बहुत कुछ काम तो हम लोगों ने पूरे कर दिए हैं, लेकिन और भी जैसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हमें गति देनी है। उन सब कार्यों को गति देने के लिए जनता के बीच में हम लोग इस संकल्प पत्र के माध्यम से जा रहे हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने काम करके दिया है वही आने वाले दिनों में जो लिख रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे। 14 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के आए थे, उसे एक बिल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया और ये जो महापौर के प्रत्याशी आज हैं ये उस समय नगर निगम चला रहे थे, इनके संज्ञान में था। हमारे महापौर ने उस समय आपत्ति की तो उनके ऑफिस में ताला लगाया गया। राजेंद्र शुक्ला जी ने इसे विधानसभा में से लेकर के और मुख्यमंत्री तक को बताया कि भाई हमारे 14 करोड़ रुपए ये प्रधानमंत्री आवास जो करी, ए सुन ले भाई, ए सुन ले यार, नहीं तो फिर नाश्ते कर ले, चाहे सुन ले। हमारी दृष्टिकोण, हमारा संगठन एक दृष्टि देता है, उस आधार पर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं और उस योजनाओं को कलेक्टिवली सब लोग काम करते हैं। पार्षद का जो काम है पार्षद करता है, महापौर का जो काम महापौर करेंगे, विधायक का जो काम वो विधायक करेंगे, सांसद का जो काम वो सांसद करेंगे। बाढ़ से निपटने की क्या? नगर परिषद हनुमना, मऊगंज और नईगढ़ी में शांति से मतदान हुई कहब। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मतदान के जायजा ली हैं। मऊगंज में 73.03, हनुमना में 75.60 और नईगढ़ी में 71.49% वोट पर रहा है। बतावा जाता है कि तीन नगरीय निकाय में कुल मिला के 73.46% वोट पर रहा है। रीमा जिला में पंचायत राज संस्था के 2 चरण खातिर वोट पर चुका है। बतावा जाता है कि पुरुष के तुलना में महिला मतदाता के प्रतिशत ज्यादा रहा है। विवाद में घिरे सिरमौर SDM नीलमणि अग्निहोत्री के खिलाफ BMO सिरमौर जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करीन हमा। बतावा जाता है कि अधिकारी गाली गलौच और अभद्र भाषा के उपयोग करीन हमा। अपना का बताए दे चुनाव के काम में बाधा उड़ा रहे की आरोप लगाइन हमा और SDM के खिलाफ कार्यवाही की मांग करीन हमा। हेलो, BMO साहब बोल रहे हैं? रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, यमो साहब, विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी आपके साथ कुछ घटना घटी है तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप स्पष्ट कर देते कि किस तरह से SDM साहब ने बस सलूकी की, क्या कहा और आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग। हाँ हाँ, मैं ये बता रहा था अभी सीमित सर से बात कर रहा था मैं जी। तो जी क्या हुआ था कि जो मेडिकल किट बंटवाना था जी, तो 4-5 दिन पहले आ गई थी तो मैंने इनसे SDM सर से बात करी जी। तो इन्होंने बोला कि अभी मैं बताऊंगा कब बंटवाना है और इन्होंने ना मुझे फोन किया ना कोई लेटर वगैरह दिया कि किस दिन बंटवानी है जी। फिर आज कल चुनाव है 8 तारीख को, तो आज बंटवाना था, मैंने 6 तारीख को इनको शाम को फोन भी लगाया, ना तो फोन उठाया ना तो रिटर्न किया इनने। अब सुबह मैंने अपने कर्मचारियों को बोल दिया था जो फार्मासिस्ट है हमारी जी, सुबह 7 बजे वितरण होगा सामान का, तो उसके साथ साथ सामान किट भी बंट जाए। तो ये पहुंच गए 7 बजे, अब 7 बजे ये गाड़ी नहीं जाने दे रहे अंदर और गाली दे रहे, माँ बहन की गाली कि तो गाड़ी अंदर नहीं जाएगी सीधे। अरे और हाँ, सीधे बोल रहे हैं, सीधे माँ बहन की गाली, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या है ये, ऑफिसर है कि क्या है, इस तरह के लेमैन की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे, नमस्कार।